बिहार में अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने चुनाव के प्रचार बहुत जोर शोर से कर रही हैं। आज ही भाजपा ने अपना वीडियो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है बिहार में ईबा। अभी कुछ ही दिनों पहले मनोज वाजपेयी का एक गाना आया था मुंबई में काबा, जिस गाने में उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की स्थिति के बारे में बात की थी। इस गाने में उन्होंने ये बताया था कि बंबई में कुछ नहीं होते हुए भी 2 जून की रोटी के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर वहां पलायन कर जाते हैं। इसके तर्ज पर नेहा राठौड़ का एक गाना आया था बिहार में काबा, जिस गाने में उन्होंने बिहार सरकार पे कटाक्ष करते हुए बिहार की स्थिति को बताया था। इसी गाने की पॉपुलैरिटी को अपने फेवर में यूज करने के लिए आज भाजपा ने अपने वीडियो कैंपेन गाने का नाम रखा है बिहार में ईबा। इस गाने में भाजपा एनडीए सरकार में किए गए कार्यकाल के बारे में तारीफें करती नजर आ रही है। अब चलिए इन्होंने अपनी जो तारीफ की है हम उसके बारे में थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। इस गाने में डबल एम्स कॉलेज को मेंशन किया गया है, तो बात तो ये है कि उसमें से एक को दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर बनाया जाएगा। उसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जिस कॉलेज को आप इतना ज्यादा अच्छा बता रहे हैं उसकी अभी की स्थिति क्या है उस पे हमारा चैनल एक विस्तार में वीडियो कर चुका है। हमने अपने ही कैमरे में उस कॉलेज में घूम रहे सुअरों को रिकॉर्ड भी किया है, आप जाकर उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस गाने में आगे एनडीए द्वारा बनाए गए सड़कों और पुलों की तारीफ की गई। कितना अच्छा होता ना अगर इस वीडियो में उस पुल को भी मेंशन कर दिया जाता जो अपने उद्घाटन से पहले ही ढह गया था। आगे बात की गई है लगातार बिजली और पानी के बारे में, तो मेरे सहयोगी मोहित नीतीश कुमार के साथ निश्चय पर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप उनकी वीडियोस को देखेंगे तो ये बिजली और पानी की सारी हकीकत आपके आंखों के सामने आ जाएगी। उसके बाद हमें सरकार का काम जानने के लिए उनके ऐसे कोई गाने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात की है इस गाने में एनडीए द्वारा दी गई शिक्षा और अवसरों के बारे में, तो अफसरों के नाम पे तो आप सर ये सुन लीजिए कि सरकारी नौकरियों में वैकेंसियां निकल नहीं रही हैं। शिक्षा के नाम पर आप ये सुन लीजिए कि बच्चों के एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं, और जिनका एग्जाम हम ले चुके हैं हम उस काबिल ही नहीं है कि हम उनका रिजल्ट निकाल दें। और जब अपने रिजल्ट की मांग करते हुए उस नौकरी की मांग करते हुए छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं तो अपनी ताकत दिखाने के लिए हम उन पर डंडों का जोर दिखा देते हैं। ये शिक्षा और ये अवसर दिए हैं आपने हम लोगों को। इस वीडियो में एक सेक्शन ऐसा है जहां एक भाई अपने भाई को फोन पर बता रहा होता है कि उसे लोन मिल गया है और वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है। जितना सरल इस चीज को इस वीडियो में दिखाया गया है, अगर उतनी ही सरल ये चीज असलियत में होती तो बिहार की रूपरेखा कितनी अलग होती, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए गानों की हम बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव का भी एक वीडियो कैंपेन गाना लॉन्च हुआ है जिस गाने का नाम है इस बार तेजस्वी तय है। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुने तो इस गाने में तेजस्वी यादव को मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों सबकी हिम्मत बताया गया है। तेजस्वी यादव को गरीबों का और बिहार की जनता का हौसला बताया गया है। इस गाने में तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। गाने के कुछ बोल ऐसे हैं कि जिन लोगों ने बिहार को निचले पायदान पर पहुंचाया है उनको उनकी असली जगह दिखाने का समय आ गया है। तो मेरा सवाल इस वक्त उनसे बस इतना है कि क्या नीतीश कुमार के 15 सालों के पहले बिहार बहुत आबाद था? क्या 15 सालों के पहले जब लालू प्रसाद यादव का बिहार पर राज चलता था उस वक्त को लोग आज भी जंगल राज के नाम से याद नहीं करते हैं? क्या बिहार में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इन सबकी शक्लें सिर्फ 15 सालों में दिखाई देनी शुरू हुई है? क्या 15 सालों के पहले महिलाएं बहुत आजाद थी और बहुत आराम से सड़कों पर घूम रही थी? या बिहार में बिल्कुल भी क्राइम नहीं हो रहा था? अपने गाने में तेजस्वी यादव ने राजद को जितना सुधरा हुआ बताया है, जितना अच्छा बताया है, क्या उतने दूध के धुले हुए आप सचमुच हैं? अगर आप इन दोनों को ध्यान से सुने तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि भाजपा अपने वीडियो कैंपेन के सॉन्ग में उन वादों की बात कर रही है जो वो उसने ठीक तरीके से पूरे किए ही नहीं। उन झूठे वादों की बात कर रही है जिनका लालच दिखा दिखा के वो हमेशा वोट बटोरने की कोशिश करती है। रही बात तेजस्वी यादव के कैंपेन सॉन्ग की, तो उनके गाने में उनको जितना अनुभवी बताया जा रहा है तो उनकी दो सबसे बड़ी उपलब्धियां यही है। पहली तो ये कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री कुछ वक्त के लिए रह चुके हैं, और उससे भी बड़ी उपलब्धि ये कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। कितना अच्छा होता ना कि इतने बड़े बड़े गाने, इतने बड़े बड़े वादों की बजाय
ये नेता जमीनी स्तर पर थोड़ा काम कर लेते, जितना आपने अपने गाने में बताया है उसका 50% ही कर लेते। आपको पता है इससे क्या होता कि बिहार की जनता के मन में अपना एक नेता तय होता, क्योंकि बिहार की अभी जो स्थिति है ना, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपना वोट दे तो किसे दे, क्योंकि ना लोगों को अब नीतीश सरकार पे भरोसा रहा है ना ही राजद पर। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर वोट देना ही पड़ा तो दे किसे, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हम अपना नेता कह पाए। इस खबर में इतना है, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हमारा चैनल उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर डोनेशन की जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से हमारी टीम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक करें, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।